नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख योजनाओं की। सर्वप्रथम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस योजना पर फोकस कर रहे हैं और 2022-23 में होने वाली हर कंपटीशन भर्ती परीक्षा में चिरंजीवी योजना का प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। इसलिए चिरंजीवी योजना को हम डीप से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, इसमें सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं तो इसकी डेट है 1 अप्रैल दी हुई आ रही है, कहीं 1 मई दी हुई आ रही है, ये योजना लागू कब हुई। तो इसका रजिस्ट्रेशन तो शुरू हुआ था वो है 1 अप्रैल 2021 से, और लाभ मिलना शुरू हुआ वो है 1 मई 2021 से। इसमें यह ध्यान रखना है कि चिरंजीवी योजना में यदि कोई परिवार रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको लाभ इसके रजिस्ट्रेशन करवाने के 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद उसको लाभ मिलना चालू होता है। तो यदि कोई परिवार 1 अप्रैल 2021 को रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको लाभ कब मिलेगा? 1 मई 2021 से। इसलिए रजिस्ट्रेशन तो शुरू हुआ वह है 1 अप्रैल 2021 और लाभ मिलना शुरू हुआ वह है 1 मई 2021। चिकित्सा बीमा राशि इसमें कितनी है? 10 लाख रुपये। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें अब 10 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन ये पहले कितने लाख रुपए तक का था? 5 लाख तक का ही था। अभी 23 फरवरी को बजट घोषणा में 23 फरवरी 2022 को बजट घोषणा में 5 लाख के स्थान पर कितने कर दिए? 10 लाख रुपये। ये 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपये मिलने लागू शुरू कब हुए? 1 अप्रैल से। घोषणा तो 23 फरवरी को हुई लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2022 से। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर आईपीडी, भर्ती होने को कहते हैं आईपीडी, ऐसी दवाई लेते होते हैं वो ओपीडी, यानी भर्ती होने पर कैशलेस इलाज। ये कैशलेस क्या है कि हमें केवल इलाज करा कराना है, हॉस्पिटल बिल बढ़ाकर संबंधित कंपनी को भेजेगी और कंपनी उसे भुगतान करेगी, हमें पैसा नहीं देना, वो हो गया कैशलेस इलाज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 11 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं और पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी। और नेक्स्ट वाला है लघु व सीमांत कृषक सुविधा कर्मी अन्य लाभार्थी स्वयं रजिस्ट्रेशन या ई मित्र द्वारा। इसमें यह ध्यान रखनी है कि ये कैटेगरी के परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं यानी 2 रुपये किलो वाले गेहूँ मिलते हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना 11 के लाभार्थी है उनको, और इनको लघु सीमांत कृषक और संविदा कर्मी इन चारों ही को जो प्रीमियम देना होता ना जुड़ने के लिए वो नहीं देना है। ये चारों ही कैटेगरी बिल्कुल फ्री में इस योजना में जुड़ेगी। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 11 के लाभार्थी है उनको तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिक ही सरकार इनका रजिस्ट्रेशन कर देगी। लेकिन सुविधाकर्मी और लघु और सीमांत कृषक, लघु और सीमांत कृषक कौन से? जिनको 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि वाले मिलते हैं, लघु और सीमांत कृषक, सुविधाकर्मी और अन्य लाभार्थी यानी जो SIPR वगैरह वो सभी, उनको रजिस्ट्रेशन तो करवाना है कैसे? ई मित्र द्वारा या स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी 850 रुपये नहीं देने। यानी दोनों ही कैटेगरी है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना, लघु सीमांत कृषक, सुविधा कर्मी, इन सभी को प्रीमियम नहीं देना है। लेकिन अंतर यह है कि इनको तो रजिस्ट्रेशन करवाना है और खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सामाजिक जनगणना वाले उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इन परिवारों के अलावा जो परिवार बच गए उन सभी को यह प्रीमियम राशि याद रखनी है 850 रुपये, यानी 850 रुपये देकर वो सभी परिवार इस योजना में जुड़ सकते हैं। जो शेष रह गए परिवार उनको कितने रुपये प्रीमियम देना होगा? 850 रुपये वार्षिक, यानी कि मात्र 850 रुपये एक साल के देने हैं और 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री। योजना में जुड़ने के लिए जन आधार कार्ड होना आवश्यक है, यदि जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार रसीद होना आवश्यक है,
यदि दोनों ही नहीं है तो पहले जन आधार में रजिस्ट्रेशन कराओ, बाद में चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन होगा। अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद में तक का उपचार व्यय भी शामिल, ये प्रश्न आरएएस भर्ती 2021 में आया था। चिरंजीवी योजना के बारे में ऑप्शन दिए थे और उनसे पूछा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। वहां प्रश्न में दिया हुआ था कि 5 दिन पहले और 10 दिन बाद भर्ती के, लेकिन 10 दिन गलत है क्योंकि 15 दिन बाद तक, 5 दिन तो भर्ती होने से पहले के और 15 दिन भर्ती होने के बाद तक, यानी भर्ती के अलावा 20 और दिनों का इलाज भी चिरंजीवी योजना में शामिल है। इसमें 1633 बीमारियों का हेल्थ पैक, कितनी 1633, पहले ये 1597 थी, अभी इसी बजट घोषणा की थी ना 23 फरवरी 2022 को जब इसकी राशि बढ़ाई थी, उसी टाइम बीमारियों की संख्या भी 1597 बढ़ाकर 1633। उस पेपर में आरएएस वाले में ये भी दिया हुआ था कि कितनी बीमारियों का हेल्थ पैकेज निःशुल्क है, उस टाइम कुछ कम था, बाद में कुछ बढ़ा दिया, तो इस हिसाब से उस पर कुछ विवाद भी था बाद में है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, चिरंजीवी योजना से रिलेटेड 2 योजना और भी चलाई है, वो कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ध्यान ये रखना है दोनों ही परिवार में, दोनों ही योजना में जो परिवार जुड़े हुए हैं उन परिवारों को इन दोनों योजनाओं का ऑटोमेटिक लाभ मिल जाएगा, उन सभी को किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उनको ऑटो इलाज मिल जाएगा। कैसे? एक तो है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में जो परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े हुए हैं उन परिवारों की महिला मुखियों को एक एक स्मार्टफोन देगी सरकार। उस स्मार्टफोन में 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, यानी स्मार्टफोन तो देगी रहेगी और वो भी 3 साल की इंटरनेट के साथ। किनको देगी? जो परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ा हुआ है उनकी महिला मुखियों को। इस स्मार्टफोन देने वाली योजना का नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। डिजिटल सेवा योजना का उद्देश्य पूछ ले तो सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, सरकारी योजनाओं के लोगों को सुविधा देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, 5 लाख रुपये की ये निःशुल्क योजना है, यानी जो परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ा हुआ है उस परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता का मतलब है दोनों हाथ टूट जाए, दोनों पैर टूट जाए या दोनों आंखें नुकसान हो जाए, इस घटना पर सरकार 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी और वो भी निःशुल्क। इसके लिए अलग से किसी प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं है। जो परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ा हुआ है वो तो इसका लाभार्थी है। नेक्स्ट है जन आधार कार्ड योजना। जन आधार कार्ड योजना का उद्देश्य है 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, यानी किसी योजना में अलग अलग डॉक्यूमेंट के स्थान पर केवल एक जन आधार कार्ड ही चल जाएगा और जन आधार लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान, यानी अलग अलग सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट है उसके स्थान पर केवल एक ही जन आधार कार्ड काफी है। ये योजना लॉन्च कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019। लॉन्च का मतलब इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी 18 दिसंबर 2019 को और ये लागू हुई है वो है 1 अप्रैल 2020। लागू तो हुई 1 अप्रैल 2020 और घोषणा हुई 18 दिसंबर 2019। 1 अप्रैल 2020 को यह है भामाशाह योजना के स्थान पर, पहले जो भामाशाह योजना थी उसके स्थान पर जन आधार योजना लागू हो गई। जन आधार योजना में यह जो जन आधार कार्ड होता है वो 10 अंकीय होता है, इसलिए 10 अंकीय यूनिक परिवार पहचान संख्या। ये देखो परिवार पहचान संख्या, यानी जन आधार कार्ड पूरे परिवार का, परिवार में जितने सदस्य सभी का एक ही कार्ड होता है,
तो 10 संख्या परिवार पहचान संख्या। अब इसमें जन आधार कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का नाम होता है, तो जो व्यक्ति है उसको 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या है, व्यक्ति की तो है 11 अंकीय व्यक्तिगत। और परिवार की है वो है 10 अंकीय, व्यक्ति की 11 अंकीय पहचान संख्या और परिवार की 10 अंकीय। यदि प्रश्न बन सकता है तो वो केवल यही है कि परिवार की पहचान संख्या है 10 अंकीय। यह जन आधार कार्ड पहचान के दस्तावेज के स्थान पर, पत्ते के दस्तावेज के स्थान पर और संबंध निर्धारण में भी परिवार के मान्य है। किस किस के लिए मान्य है? जहाँ पहचान का दस्तावेज मांगा जाए, पत्ते के रूप में कोई दस्तावेज मांगा जाए या संबंध निर्धारण के लिए मांगा जाए, इन तीनों स्थान पर जन आधार कार्ड मान्य है। सरकारी योजनाओं व सुविधाओं के लिए सभी लाभ जन आधार कार्ड से, यानी जो भी सरकारी योजनाएं हैं और सुविधा है उन सब के लिए अब सरकार जन आधार कार्ड आवश्यक कर रही है। जैसे चिरंजीवी योजना में जुड़ने के लिए भी जन आधार कार्ड आवश्यक है। डीबीटी, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ये डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जैसे मान लो किसी योजना में जन आधार कार्ड जुड़ा है उसके पैसे आने हैं तो अलग से खाता नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, जो खाता जन आधार कार्ड में जुड़ा है उसमें ऑटोमेटिक गवर्नमेंट क्या कर देगी, लाभ का हस्तांतरण। तो जन आधार कार्ड है एक डीबीटी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसको डील कौन सा विभाग करता है? आयोजना विभाग। जन आधार कार्ड को आयोजना विभाग डील करता है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी। जन आधार कार्ड में महिला मुखिया कौन होती है? जो परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला हो, यानी उस परिवार में यदि 18 वर्ष से ज़्यादा की महिला है तो उसे परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। लेकिन यदि उस परिवार में महिला है ही नहीं तो 21 वर्ष से ज़्यादा, 21 वर्ष से ज्यादा यदि जो भी पुरुष सदस्य होगा उसे मुखिया बना दिया जाएगा। महिला है तो महिला को बनाया जाएगा 18 वर्ष से ज्यादा की को, यदि वो नहीं है तो 21 वर्ष से ज्यादा के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, दो अभियान चलेते भी, प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान। प्रशासन गांवों के संग अभियान कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2021। और शहरों के संग भी 2 अक्टूबर 2021। गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से चला था 17 दिसंबर तक। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक, और शहरों के संग अभियान है वो चला था 31 मार्च तक। शुरू तो दोनों ही 2 अक्टूबर को ही, शुरू तो दोनों ही 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुए, लेकिन गांवों के संग अभियान तो चला 17 दिसंबर तक, यानी लगभग 2.5 महीने, और शहरों के संग अभियान चला 31 मार्च 2022 तक। गांवों के संग अभियान में 21 विभाग एक साथ थे और प्रशासन शहरों के संग अभियान में 8 विभाग एक साथ थे। इन अभियानों का मेन मकसद क्या था? समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण या समाधान, जो भी समस्या है उसका मौके पर ही समाधान। इन कैंपों में क्या होता है, जैसे एक कैंप है किसी ग्राम पंचायत या वार्ड के अंदर ही, इन यदि गांवों के संग अभियान है तो 21 विभाग के जो भी व्यक्ति है संबंधित गांव में जाएंगे और ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करेंगे। इस हिसाब से ये राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान था। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना के लिए क्या योग्यता है? महिला की आयु 55 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और पुरुष की आयु है वो 58 वर्ष से ज़्यादा। यदि किसी महिला की आयु 55 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो वो पात्र है,
और पुरुष की आयु 58 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो वो पात्र है। इसके साथ पात्रता की कुछ और शर्तें भी है, राजस्थान का निवासी होना चाहिए, आय के लिए कि इससे ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से अन्य पात्रता भी है। लेकिन मेन पात्रता महिला 55 वर्ष से ज़्यादा, पुरुष 58 वर्ष से ज़्यादा। कितनी पेंशन मिलेगी? 75 वर्ष तक, 75 वर्ष तक मिलेगी 750 रुपये। और 75 वर्ष से ज़्यादा, 75 वर्ष के बाद कितनी मिलेगी? 1000 रुपये। 75 वर्ष के बाद 1000 रुपये। ये पहले 500 और 750 थी, 1/3/2019 से बढ़ा दी गई है, अब कितनी मिल रही है? 750 और 1000 रुपये। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की कौन पात्र है? वो सभी महिलाएं जो विधवा है, परित्यक्त है और तलाकशुदा है। इसमें क्या है कि कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि एकल नारी सम्मान योजना केवल विधवा के लिए लागू, केवल विधवा के लिए नहीं, बल्कि जो भी नारी अकेली रह रही है उसके, विधवा के अलावा कौन कौन? तलाकशुदा और परित्यक्त महिला, ये सभी महिलाएं इस एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र है। दूसरी चीज कि उस नारी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा ही होनी चाहिए। यदि कोई बाल विवाह हो गया है और वो विधवा हो गया है तो 18 वर्ष से पहले उसको पेंशन नहीं मिलेगी, 18 वर्ष से ज्यादा के बाद मिलेगी। कितनी पेंशन है? 18 से 55 तक 500 रुपये। चार कैटेगरी है इससे तक। पहली कैटेगरी है 18 वर्ष से 55 आयु तक, वो है 500 रुपये। फिर 55 से 60, 750। 55 साल तक कितने मिले? 500। 55 साल के बाद में पेंशन बढ़ गई, 60 साल तक की मिलेंगे 750। 60 से 75 तक कितने मिलेंगे? 1000 रुपये। और 75 से ज़्यादा होने पर 1500 रुपये, 75 से ज़्यादा 1500। अभी ये ध्यान रखना है कि यदि कोई नारी या कोई महिला विधवा है और वो 60 साल से ज़्यादा भी है तो दो पेंशन स्कीम का तो एक साथ लाभ नहीं मिलेगा, तो वो महिला क्या कराएगी? वृद्धावस्था की बजाय एकल नारी में रजिस्टर करेगी। यदि 60 साल से ज़्यादा है और विधवा है तो, क्योंकि यदि वह वृद्धावस्था पेंशन लेगी तो कितने रुपये मिलेंगे उसे 60 साल के बाद? 750। लेकिन एकल नारी में 60 साल के बाद कितने मिलेंगे? 1000 रुपये। तो ज़्यादा कौन से हो गए? एकल नारी वाले। तो यदि कोई 60 साल से ज़्यादा की महिला है और वो विधवा है तो वह वृद्धावस्था की बजाय कौन सी पेंशन लेगी? एकल नारी समान पेंशन। तीसरी पेंशन स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन पेंशन योजना। विशेष योग्यजन पेंशन योजना में वो सभी विशेष योग्यजन जो 40% से ज़्यादा विकलांग है, वो सभी विशेष योग्यजन जो 40% से ज़्यादा विकलांग है, इसमें भी आय की सीमा है, राजस्थान का मूल निवासी, ऐसी पात्रता शर्तें भी जुड़ी हुई है। कितनी पेंशन मिलती? 8 वर्ष तक। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि विशेष योग्यजन के लिए कोई आयु की कोई लिमिट नहीं है, जैसे एकल नारी में वृद्धावस्था में आयु की लिमिट है ना, इसमें किसी भी आयु का विशेष योग्यजन हो ले, किसी भी आयु का, यानी 5 साल का हो चाहे 75 का हो, सभी विशेष योग्यजनों को सभी विशेष योग्यजनों को अलग अलग हिसाब से पेंशन मिलेगी। यदि 8 साल से छोटा है तो कितने रुपये मिलेंगे? 250 रुपये। यदि 8 साल से ज़्यादा और 75 साल तक, 8 साल से ज़्यादा और 75 साल तक है यानी 8 से 75, तो उसे कितने मिलेंगे? 500 रुपये। 8 साल तक 250, 8 से 75 तक 500 और 75 से ज़्यादा होने पर 750। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि अभी बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने विशेष योग्य जन पेंशन में
1,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा कर दी। यानी जो पहले रुपये मिलते थे उसके अलावा 1,000 रुपये और अतिरिक्त देने की घोषणा कर दी, 1,000 रुपये बढ़ा दिए। जैसे मान लो कि कोई पहले 8 वर्ष से छोटा लड़का विशेष योग्य जन है, उसको 250 रुपये मिलते थे, तो अब कितने मिलेंगे, 1,000 ये और 250 ये, 1,250। ये जी 75 से ज़्यादा है तो 1,750 तो पहले मिलते थे, 1,000 रुपये अतिरिक्त कितने मिलेंगे, 1,750। ये घोषणा कब की, बजट भाषण में 2022 फरवरी। इस प्रकार इन योजनाओं में क्या क्या प्रश्न बनेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना में पहला प्रश्न बनेगा आयु से संबंधित, कि कितनी उम्र के महिला और कितने वर्ष का पुरुष इस योजना के लिए योग्य। दूसरा प्रश्न बनेगा कि किस उम्र के लिए, यानी 75 से नीचे के लिए कितने रुपये दे है और 75 वर्ष से ज़्यादा की आयु को कितने रुपये दे है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के एक तो ये बनेगा कि कौन पात्र है इसके लिए, तो पात्र कौन है, 18 वर्ष से ज़्यादा की विधवा, परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाएं। और दूसरा है कितने रुपये दिए जाते हैं, तो इसमें 4 कैटेगरी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना, इसमें से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। एक तो प्रश्न ये बन गया कि इसकी पात्रता, पात्रता क्या है, 40% से अधिक का विकलांग, चाहे वह किसी भी आयु का हो। और दूसरे है इसके रुपये से संबंधित, इसके रुपये से संबंधित जो प्रश्न है वो मोस्ट है, क्योंकि अभी जस्ट ही 1,000 रुपये की अतिरिक्त घोषणा कर दी है। तो जो पहले मिलती थी ना 250, 500 और 750, उसके अंदर अब 1,000 रुपये और एड हो गए, 250 वालों को 1,250, 500 वालों को 1,500 और 750 वालों को 1,750 रुपये मिलेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद सभी का।